महाराष्ट्र के श्री संत गाड़गे बाबा इनकी 65वीं पुण्यतिथि पूरे राज्य में मनाई जा रही है। इसी क्रम में मेडिकल चौक स्थित श्री संत गाड़गे महाराज धर्मशाला प्रांगण में शहर के परिट समाज द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन कर भावपूर्ण अभिवादन किया गया। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी ये रिपोर्ट, आइए देखते हैं। पुण्य भूमि भारत देश या पृथ्वी माँ का दिव्य अलंकार है। इस भारत भूमि में अनेक महान संत पैदा हुए हैं, उनमें से विदर्भ में महान संत रत्न गाड़गे महाराज का नाम अमर है। महात्मा शुक्राचार्य से संत तुकुराम महाराज तक अनेक संतों के चरित्र के समान ही दिनोदारक समाज विचार प्रवर्तक निष्काम कर्म योगी संत गाड़गे बाबा उर्फ डेबूजी एकमेव संत है। उनका जन्म महाशिवरात्रि 26 फरवरी 1876 को शेनगांव में हुआ था। बहुजन समाज में बाबा जैसे रत्न ने जन्म लेकर अपनी कर्तव्य शक्ति द्वारा संपूर्ण मानव जाति का उद्धार किया। संत गाड़गे बाबा के पास अपूर्व सामाजिक दृष्टि थी, जन जागृति, सेवा, दया, जिसके द्वारा बाबा ने मानव कल्याण करने के लिए उनके अंधकार में जीवन को ज्ञान से प्रकाशमय बनाया। यही दरिद्र नारायण की सेवा है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, मानवतावाद का प्रमुख अधिष्ठान दया ही है। नारायण भावना से की हुई सेवा यानी सही अर्थ से दया दिखाना है, यह बात केवल गाड़गे बाबा ने प्रत्यक्ष कर दिखाई। अनुभवी गुरु बाबा को अपने जीवन में कभी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुभव ही आदमी का गुरु है। बाबा ने अपंग अनाथ का दुख समझकर उनकी रात दिन सेवा की और साक्षरता अभियान चलाया। बाबा स्वयं अनपढ़ अशिक्षित थे, फिर भी वे एक महान क्रांतिकारी शिक्षक थे। बाबा ने संपूर्ण महाराष्ट्र को पाठशाला बनाया और ग्रामीण जनता के बच्चों को पाठशाला में जाने का मार्ग दिखाया। गाँव गाँव में जाकर दिन भर हाथ में झाड़ू लेकर ग्राम सफाई करके रात में कीर्तन द्वारा स्वच्छ अंधश्रद्धा, कुप्रथा, व्यसनाधीनता, पशु हत्या के बारे में व्यवहारिक ज्वलंत उदाहरण देकर समझाते थे। उसी प्रकार बाबा समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और तत्व ज्ञान जनता के सामने रखते थे। बाबा के पास सतो रजो तमो गुण थे, वे समय समय पर प्रत्यक्ष कार्य में लाकर उनका सदुपयोग करते थे। उनका हर व्यवहार कठोर परिश्रम, ध्येयवादी और अनुशासनबद्ध था। जगच्या कल्याणा संत्याच्या विभूति देह कष्टवती परोपकारी, यह उन्हें तंतोतंत लागू होता है। बाबा कभी मंदिर में नहीं गए, उनका भगवान मंदिर के बाहर भूखा, प्यासा, दुखी, अंधा, पंगु के रूप में बैठा रहता था, वे उनकी ही सेवा करते थे। इस मौके पर BCN समक्ष परिट समाज के सदस्यों ने जानकारी दी। नमस्कार माता गाये मुनिया। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, ये राष्ट्र शिरोमणि राष्ट्र संत संत गाड़गे महाराज, इन्होंने ये भक्ति गीत गाकर इस समाज को प्रबोधन करने का काम किया है। अब हम सीधा रुक करेंगे, आज श्री संत गाड़गे महाराज इनकी 65वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है। इस समय में अखिल भारतीय वर्टी समाज के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। आइए उनके पास चलते हैं, उनसे ये जानकारी लेते हैं कि कर्मयोगी राष्ट्र संत गाड़गे महाराज साहब का कार्य किस प्रकार का था। जगन्नाथ जी फाले इस समय हमारे साथ मौजूद है। फाले साहब, ये बताएं कि जिस प्रकार से आज संत गाड़गे महाराज जी के जो कामकाज थे वो कितने महत्वपूर्ण थे और आज समाज को उसकी कितनी ज़रूरत है। निष्काम कर्मयोगी श्री संत गाड़गे महाराज की आज 65वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर गाड़गे महाराज की 65वीं पुण्यतिथि है, इस अवसर पर गाड़गे महाराज धर्मशाला में मनाई जा रही है। और जो गाड़गे महाराज ने 10 सूत्री कार्यक्रम दिया है जी, उस 10 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार आज के नव युवक को अंधश्रद्धा निर्मूलन, शिक्षा के प्रणेते, और गाड़गे महाराज ने जो जो कार्य किया है, जैसा कि थोड़ी देर के लिए अपन ये बताएंगे कि गाड़गे महाराज जा क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या उन्होंने संदेश दिया है, वो संदेश के अनुसार अपने को आज के पीढ़ी को ने अनुसरण करना चाहिए। जैसा कि उस वक्त जो किया था, ये आज ये मद्यपान है, तंबाकू, गुटखा, इसके ऊपर से कर्करोग हो रहा है,
इस कर्क रोग के हिसाब से क्या करना चाहिए। ये महाराज ने 10 सूत्री कार्यक्रम 1905 में 1 फरवरी 1905 में रुन मोचन में गाड़गे बाबा ने जो दीक्षा दी है जी, वो दीक्षा के अनुसार बाबा ने उस वक्त कार्यक्रम निभाया और वो कार्यक्रम के अनुसार या आज ये सब कार्यक्रम चल रहा। लेकिन वो कार्यक्रम के अनुसार भी आज लोग जो है कि वो उनका जो 10 सूत्री कार्यक्रम का पालन नहीं करते, तो वो पालन करना चाहिए। आज के नवयुवक ने बाबा सिंह ने जो संदेश दिया वो संदेश का पालन करके अपना खुद का, अपने परिवार का, अपने परिसर का, अपने राष्ट्र का उद्धार करना चाहिए। यही मेरी आज की ये बाबा के लिए विनम्र अभिवादन है और उनको ये बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से जगदंत जी फाले साहब ने कहा कि 10 सूत्री कार्यक्रम है जो उसके ऊपर में अमल करना चाहिए, मगर अफसोस कि आज भी अमल नहीं हो रहा है। भले ही स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर की बातें जरूर किया जा रहा है, मगर आज भी कई ऐसे परिसर है जो अस्वच्छता से परिपूर्ण है। ऐसे में स्वच्छता होना चाहिए, यही समय की मांग है। इस समय और भी कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर आप क्या कहना चाहोगे? संत गाडगे बाबा पुण्यतिथीच्या 65 वर्ष, संत गाडगे बाबा पुण्यतिथी 65 वर्ष, या अगोदर श्री चक्रपाणी प्रभू महाराजांनी फलटण निवासी त्यांनी परमेश्वर अवतार धारण केला, त्या अगोदर संत गाडगे बाबासारखंच पूर्ण गाव साफसुथरी करणं, म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, घाण सगळं गाव साफ करणे आणि संत गाडगेबाबांनी जे काम केलं त्या। बिल्कुल बिल्कुल, के आज से 5000 साल पहले भी श्री चक्रपाणी प्रभु महाराज जी ने भी ये काम किया था, जो इस सदी के राष्ट्र संत गाडगे महाराज साहब ने भी ये काम किया है। कुछ और भी कार्यकर्ता है, अरविंद हमारे साथ में, उनसे जाने। अरविंद, ये बताइए कि अब सरकार से आप क्या चाहते हो, क्या आपकी मांग है? स्वच्छता जी जनक राष्ट्र संत गाडगे बाबा यांच्या 65व्या पुण्यतिथीचे विनम्र अभिवादन करतो। सरकारला आपण एकच म्हणू की स्वच्छता अभियान या पूर्णच्या देशात राबवलं गाडगेबाबांनी, कुठेतरी काही पुढारी लोक त्या स्वच्छता अभियानाला स्वतःचं नाव देऊन दिशाभूल करण्याचं काम हे या समाजामध्ये होत आहे। त्यामुळेच आपल्याला असं वाटते की जी स्वच्छता जशी पाहिजे तशी दिसत नाही। जर गाडगेबाबांच्या नावाने जर स्वच्छता अभियान राबवलं असतं तर पूर्ण देशामध्ये आज पूर्ण घाण साफ झाली असती। सर, हे बता की आपका एक क्लास या समाजाचा जे शिकले सवरले लोक आहे त्यांना एकत्र करून आमच्यासारख्या युवकांना मार्गदर्शनाचं काम अखिल भारतीय परिट समाज गेल्या 40 वर्षापासून करत आहे। बिल्कुल, पिछले 40 वर्षों से अखिल भारतीय परिट समाज यह कामकाज कर रहा है, मगर जिस प्रकार से आज ये समाज की जो हालत जो बनी है, इन्हें कामकाज नहीं मिल रहा है, सरकार की कई योजना से आज भी ये समाज बहुत काफ़ी दूर है, पढ़ने लिखने में भी दूर है, उनको कोई शासकीय जो योजना है उनका लाभ नहीं मिलता, इसलिए भी ये परिट समाज काफ़ी पीछे है। ऐसे में राष्ट्र संत कर्मयोगी श्री संत गाडगे महाराज जिन्होंने जो स्वच्छता का जो एक आदेश जो दिया है, समाज को एक प्रबोधन जो किया है, आज उसके ऊपर में अमल करने की बेहद ज़रूरत है। स्वच्छता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने घर का आंगन साफ करना है, बल्कि तन और मन दोनों को भी स्वच्छ करना, यही समय की मांग है। धर्मशाला गाडगे महाराज से संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।